जेल में बंद पतियों को छुड़ाने के लिए पत्नियों ने मुंडवा लिए सिर। चीन में जेल में बंद अपने पतियों को न्याय दिलाने के लिए पत्नियों ने अनोखा तरीका अपनाया है। यहां एक वकील और उनके तीन समर्थक चीन की जेल में बंद हैं, जिनकी रिहाई के लिए जेल के बाहर उनकी पत्नियों। पेचिंग्या चीन में जेल में बंद अपने पतियों को न्याय दिलाने के लिए पत्नियों ने अनोखा तरीका अपनाया है। यहां एक वकील और उनके तीन समर्थक चीन की जेल में बंद हैं, जिनकी रिहाई के लिए जेल के बाहर उनकी पत्नियों ने अपने सिर के बाल मुंडवाकर प्रदर्शन किया। चारों महिलाओं ने कहा कि देश में कानून राज खत्म हो गया है और इसके विरोध में उन्होंने हांगा सेकुन हाई कोर्ट के सामने प्रदर्शन किया। महिलाएं प्रदर्शन करते हुए कह रही थी, हम गंजे सिर के साथ रह सकते हैं, लेकिन देश में कानून को खत्म नहीं किया जा सकता। चीन में सिर गंजा कराने और कानून का राज खत्म होने की स्थिति को वफा कहा जाता है। इन सभी महिलाओं के पति को 9 जुलाई 2015 को प्रदर्शन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ वकील और उनके तीन समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे। इन सभी गिरफ्तार चार कार्यकर्ताओं को राज्य शक्ति के खिलाफ जाने के आरोप 2016 में तय किए गए। गिरफ्तार वकील वांग 200 वकीलों में से अकेले हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया। वांग की रिहाई के लिए प्रदर्शन कर रही उनकी पत्नी ली वेजुई ने कहा कि इस केस में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। पिछले 3 साल में वे 30 से अधिक रिहाई के अपील पत्र गए, लेकिन अभी तक एक का भी जवाब नहीं मिला है। लियू एयरमिन सामाजिक कार्यकर्ता जही यानिम की पत्नी है। प्रदर्शन कर रही लियू ने कहा कि जेल में बंद उसके पति को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें यातना दी जा रही है और सरकारी अधिकारी हम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।